वेलकम बैक टू माय चैनल ईकेएम ताइक्वांडो एकेडमी। लास्ट वीडियो में मैंने आपके विंचुंग के 4 ब्लॉक्स सिखाए थे। आज इस वीडियो में मैं आपको उन 4 जो ब्लॉक्स हैं उनको यूज़ करना सिखाता हूँ कि उनको यूज़ कैसे कर सकते हैं। तो सीखने के लिए तैयार, चलिए शुरू करते हैं। अभी आपने वीडियो में देखा जो ब्लॉक, उसको यूज़ कैसे करते हैं कि अगर कोई थप्पड़ मारता है विंचुंग में तो डिफेंस और अटैक एक साथ करते हैं, जैसे थप्पड़ मारो एक साथ होता है डिफेंस और अटैक। इसकी ये प्रैक्टिस है, आप अपने दोस्त के साथ इसको प्रैक्टिस कर सकते हो, उसको बोलो थप्पड़ मारने के लिए, यू हैव टू प्रैक्टिस थप्पड़। प्रैक्टिस इस तरह होता है। वैसे तो विंचुंग का ब्लॉक, जो विंचुंग के ब्लॉक्स होते हैं और अटैक्स होते हैं, विंचुंग डमी भी होते हैं, बट मैं अगर आपके पास डमी नहीं है तो मैं इसलिए आपको प्रैक्टिकल में करके दिखा रहा हूँ कि आप दोस्त की मदद से कैसे सीख सकते हैं। इस तरह 2, 3। अब जो सेकंड ब्लॉक आपने देखा उसको ब्लॉक कैसे है कि अगर कोई पेट पे पंच करता है कराटे और ताइक्वांडो में, तो यू हैव टू डिफेंस, जैसे डिफेंस प्रैक्टिस ये है पंच, ये इस तरह प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। इसके क्या होता है कि अगर मान लो कोई कराटे बॉक्सिंग वगैरह पेट में पंच मारता है, हम तुरंत ही चलता है टक से पंच, बूम, ठीक है, इस तरह है। 1, 2, 3। जो आपने थर्ड ब्लॉक देखा है उसको कैसे डिफेंस करेंगे अगर कोई पंच मारता है साइड में, तो ये डिफेंस है, देखो उसमें साइड में हाथ था इसलिए साइड में, अब इधर से इस तरह ब्लॉक है और अटैक है। इसमें ब्लॉक और अटैक टुगेदर प्रैक्टिस होता है, इससे आपके ब्लॉक भी अच्छे होते हैं और अटैक भी अच्छा होता है, जो आप एक ही साथ मार सकते हैं ना। 2, 3। अभी जो आपने ब्लॉक देखा वो है अगर कोई बॉक्सिंग के पंच मारता है तो आप डिफेंस कैसे करेंगे विंचुंग में, 1, 2, 3, 4, 5। इसमें ये है कि जो पंच होता है उसको यहाँ पे डिफेंस करते हैं, ऐसे डिफेंस करते हैं, उधर से पंच आएगा डिफेंस करेंगे, फिर इससे डायरेक्शन चेंज करना है। देख लो किसी भी पंच का हम डायरेक्टली ब्लॉक नहीं कर सकते, ठीक है, ऐसे पकड़ नहीं सकते, इधर से नहीं सकते, बट उसका डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। बस विंचुंग में यही होता है कि आप उसके डायरेक्शन को चेंज कर सकते हो, अटैक करा डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है, इसी तरह आप डिफेंस करेंगे। समझ में आया होगा आपको ये चारों के चारों ब्लॉक जो मैंने लास्ट वीडियो में सिखाया था। अगर आपने नहीं देखा तो उस लास्ट वीडियो को देखकर आप समझ जाइए कि मैं कौन से ब्लॉक की बात कर रहा हूँ, और इस ब्लॉक को अच्छे से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी सीख सके, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।